यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मर्द और औरत के जज्बात। कुछ लोग आपने ज़िंदगी में ऐसे देखे होंगे या कुछ ख्वातीन भी ऐसी देखी होंगी कि वो शादीशुदा होने के बावजूद किसी न किसी की मोहब्बत या इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि मर्द अपने आप को ये समझता है कि वो दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान है और उसके पास बेहिसाब दौलत है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन उसका तसव्वुर होता है, उसका गुमान होता है। इसी तरह ख्वातीन या लड़कियां भी अपने आप को ये समझती हैं कि हम बहुत ज़्यादा हसीन हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, हमारे शोहर ने तो हमारी कदर नहीं की, हमसे मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं या हमारी बहुत कदर करते हैं। हालांकि कोई कदर नहीं करता, कोई कदर नहीं करता। अपने मकसद के लिए चिकनी चौड़ी बातें बनाकर ज़िंदगी को डिस्टर्ब किया जाता है, यानी ऐसी बातें कि जिनके शहर में वो लड़की गिरफ्तार हो जाए, या ऐसी बातें कि जिसके शहर में कोई लड़का गिरफ्तार हो जाए, तो उसमें हाथ का क्या किरदार होता है और हाथ में ऐसी कौन सी जगह होती है कि जिससे मालूम पड़े कि ये इस तरह करेगा तो इसके हाथ की वजह से ऐसा है, इसके हाथ की लकीरें ऐसी हैं इसकी वजह से। हाथ में तो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं कि जिससे आप इन सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़ाहिर नहीं हैं। और हो सकता है कि इससे पहले हमारे जो उस्ताद हैं जिनसे हम ये सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने इस टॉपिक पर बात न की हो या न बताया हो। तो आप ये उंगलियों को देख रहे हैं, इनके पोर होते हैं कि पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा पोर। ये पोर किस तरह से होते हैं? ये इस तरह से होते हैं, यानी पहला पोर है, दूसरा, ये तीसरा। इसी तरह अंगूठे का ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तीसरा पोर हाथ में अगर बड़ा हो, ये जो तीसरा पोर है ना, ये देखे, ये छोटा है, ये छोटा है, और ये जो है बड़ा है, ठीक है। इसी तरह अंगूठे को भी ले लें तो पहला पोर जो ना ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये पूरा एक ग्राउंड है, तीसरा ये पूरा एक ग्राउंड आ रहा है इस तरह से, यानी कि तीसरा पोर, चाहे इस उंगली का, चाहे इस उंगली का, चाहे इस उंगली का, ये पोर जो है, तीसरा पोर जो है, अगर इसको आप देखें अपने हाथ में, इसका तजर्बा करें, अपने दोस्तों के हाथ में देखें, अपने जानने वालों के हाथ में देखें, अगर आपको इसी तरह से नज़र आता है कि पहला पोर छोटा है, दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा है और तीसरा बहुत बड़ा है, इसी तरह ये पहला छोटा है, दूसरा थोड़ा बड़ा है, तीसरा बहुत बड़ा है, ऐसे लोग जज्बाती लोग होते हैं। ऐसे जो अफराद होते हैं ये जज्बाती होते हैं, ये किसी की मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो जाते हैं। जिनसी मामलात इनके साथ बहुत से होते हैं, यानी खुफिया चक्कर बहुत ज़्यादा चला रखे होते हैं इन्होंने। क्यों? कि ये मजबूर होते हैं, कि इनके जज्बात ही इतने हैं। अगर ये किसी लड़की के हाथ में होगा तो उसको मर्द किसी भी सूरत में होगा उसको भाएगा, अगर ये किसी खातून या लड़की के हाथ में है तो मर्द को फौरी वो करेगी, अपनी तरफ मैग्नेट करेगी, क्योंकि इनमें जेंसी पावर बहुत होती है। तीसरा पूर यहाँ 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 जितने भी हैं, तीसरा पूर किसी भी उंगली का जो है ना, खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि ये जो लोग हैं, यानी देखें, छोटा ये थोड़ा बड़ा, ये बहुत बड़ा, इसी तरह ये छोटा पूर, ये दूसरा पूर, ये तीसरा, तीसरा बड़ा पूर होगा। ऐसे लोग यानी मोहब्बत हाथ में लिए घूमते हैं कि जो मिला लो पकड़ लो मेरी तरफ से, ये वो लोग होते हैं। इनमें जेंसी पावर आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होती है,
ये नहीं कि तमाम के तमाम लोग जो हैं उनके हाथ में इस तरह होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये कुछ हाथों में जिन इन पूर को देख लें, जैसे कि कुछ लोग अंदाज़ा लगाते थे कि पाँव की उंगली अगर बड़ी है तो ये शौहर पे हुक्मरानी करेगी, पाँव की उंगली अगर मर्द की बड़ी है तो औरत पे हुक्मरानी करेगा, इस तरह की जो बातें थी। तो ये मैंने उन्हीं चीज़ों की कलाकुमी खोल के रख दी आज कि उभारे जोरा, जिसके बारे में आप जानते हैं, हमने बहुत सब प्रोग्राम किया। उसके बाद हम इन पूरों के ऊपर भी आज आपको बता दिया, फिर हम नेक्स्ट इन पूरों पर भी आपसे बात करेंगे और इन पूरों पर भी बात करेंगे, लेकिन इसको अपने हाथ में तलाश करें। अगर ऐसा है तो कोशिश करें कि अपनी शख्सियत को बदलने की कोशिश करें, वरना ये जेंसी बेरारवी जो है ये आपको तबाही के उस दाने पे ला के खड़ी कर देगी जहाँ से आप किसी मंजिल की तरफ जा नहीं सकते। और किसी से मोहब्बत करने से या इश्क या कुछ करने से पहले भी इन चीज़ों का अगर चेक कर लें तो ये समझें कि ये लोग सिर्फ जज्बात की हद तक हैं, और जब तक इनका मकसद है, जब तक इनका मतलब है, ये आपके साथ हैं। और इनका मतलब पूरा हुआ तो फिर चल उड़ जा रहे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, ये हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। अहमद अली साहब ने सवाल किया कराची से कि मैं अपना और अपनी बीवी का हाथ का फ़ोटो भेज रहा हूँ, ये बताएं कि हमारे नसीब में औलाद है या नहीं। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में मौजूदा वक्त में कोई औलाद की अलामत नहीं है, अगर आगे चल के बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मौजूदा टाइम पे दोनों हाथों में औलाद की कोई अलामत नज़र नहीं आती। नवीरा जफ़र ने सवाल किया इस्लामाबाद से कि ये बताएँ कि मेरी कामयाबी कब मिलेगी और मेरी किस्मत कैसी है। आपके हाथ में किस्मत की जो लकीर है अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी है, और आने वाला वक्त भी आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा। बहरहाल कोशिश करें कि दीन की तरफ अपने आप को रागब कर लें, इसी में आपकी बेहतरी और इसी में आपकी कामयाबी नज़र आ रही है। तूबा ने सवाल किया सियालकोट से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और शादी कैसे रहेगी। आपकी शादी इंशाल्लाह अज़ीज़ 2023 में होगी और शादी कामयाब रहेगी। शादी के बाद की ज़िंदगी भी अल्लाह के फजल से बेहतर और अच्छी रहेगी। कोशिश किया करें पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसकी एक तस्वीर पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी। अक्सर ने सवाल किया हिला से, ये बताएं कि मेरे हालात कब बेहतर होंगे और कब पोजीशन अच्छी रहेगी। आपके हाथ में कामयाबी की लकीर माशाल्लाह से बहुत बड़ी और बहुत अच्छी लकीर है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी और हालात में बेहतरी भी आएगी, लेकिन कोशिश करें कि हर कदम सोच समझ के उठाएँ, क्योंकि आपकी कामयाबी की लकीर को ऊपर एक जजीरा, और ये जजीरा जो होता है किसी भी मामले में उलझाव का निशान होता है। अहमद ने सवाल किया कतर से कि मेरी किस्मत के बारे में बता दें कि मेरी किस्मत कैसी है। अहमद साहब, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी है, और आपकी किस्मत इंशाल्लाह अच्छी है और अच्छी रहेगी आने वाले वक्त में भी। एहतशाम ने सवाल किया सियालकोट से कि कामयाबी कब मिलेगी और इसके लिए मैं कौन सा वजीफ़ा पढ़ूँ। प्यारे दोस्त, आपके लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा जो ना वो ये है कि सूरह फातिहा जो है 100 तस्बीह यानी 100 दाने वाले तस्बीह जो है वो लाजमी पढ़ा करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, बेहतरी भी आएगी और आपके आने वाले वक्त में दिली ख्वाहिशात भी पूरे होने के चांस हैं। रुबीना ने सवाल किया 88 से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी 2023 में होगी और शादी कामयाब रहेगी। शादी के बाद की ज़िंदगी भी इंशाल्लाह अच्छी और बेहतर रहेगी। हुरिया ने सवाल किया हरिपुर से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी, और शादी कामयाब रहेगी या नहीं। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अल्लाह के फजल से कामयाब रहेगी और आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके हाथ में सफ़र की लकीरें भी मौजूद हैं। बहरहाल कोशिश किया करें तो बस इस्तग़फ़ार जो है इसको पाबंदी से पढ़ा करें, अल्लाह दिली मुरादें पूरी करेगा इंशाल्लाह। रुबीना ने सवाल किया इस्लामाबाद से कि ये बताएँ कि मेरे हाथ में औलादों की कितनी लकीरें हैं। 3 बेटियां मेरी हैं। आपके हाथ में औलादों की 5 लकीरें हैं और औलाद नरीना की अलामत भी मौजूद है, यानी एक लड़के की अलामत भी मौजूद है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त अच्छा होगा और औलादों के नसीब जो हैं वो भी अल्लाह के फजल से बेहतर होंगे। परवीन ने सवाल किया लाहौर से कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अपनों में होती हुई नज़र नहीं आती, आपकी शादी गैरों में होगी और शादी कामयाब रहेगी। इसके अलावा आपके हाथ में सफ़र की भी बेहिसाब लकीरें हैं, यानी काफ़ी सफ़र भी आप करेंगी। बहरहाल अपनी आदत, अपने मिजाज को बदलने की कोशिश करें, चिड़चिड़ापन, झगड़ेलूपन और जज्बाती मामलात में अपने आप को ना उलझाया करें। रिदा ने सवाल किया हैदराबाद से कि ये बताएं कि मेरा नसीब कैसा और मेरी किस्मत कैसी है।
हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी किस्मत तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल जिस अरूज की है, जिस कामयाबी की आपको तमन्ना है, उसके लिए कम से कम 2 साल का अरसा मज़ीद लग सकता है। वसी ने सवाल किया है लाहौर से कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ, यह बताएं कि आगे मेरे हाथ में दूसरी कोई शादी की अलामत है या नहीं। आपके हाथ में शादी की अलामत भी मौजूद है और शादी कामयाब भी रहेगी, बहरहाल कोशिश करें कि खुश रहने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अल्लाह रखा ने सवाल किया बोल शरीफ से कि मैं एक छोटा सा क्लिनिक चलाता हूँ और मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, ये बताएं कि बिज़नेस में मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं। जी बिल्कुल, आप कोशिश करें, आपके हाथ की लकीरें तो अल्लाह के फजल से अच्छी हैं और इससे पहले भी आपने जिस काम की भी कोशिश की उसमें अल्लाह ने आपको कामयाब किया और आने वाले वक्त में भी आप कामयाब होंगे। बहरहाल कोशिश किया करें कि जितना हो सके सूरह कौसर को पाबंदी से पढ़ा करें ताकि दुश्मनों के शर से आप महफूज रहें। टी ने सवाल किया कुरंगी से कि मेरी दूसरी शादी कब होगी और क्या दूसरी शादी कामयाब रहेगी या नहीं। अल्लाह के फजल से दूसरी शादी आपकी कामयाब रहेगी और ज़िंदगी इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी, लेकिन शादी होगी, अरेंज मैरिज। बिलाल अली ने सवाल किया इस्लामाबाद से कि ये बताएं कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। बिलाल साहब, आपके हाथ में जो शादी की लकीरें उसके हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी अल्लाह के फजल से कामयाब रहेगी। अरशद बिलाल ने सवाल किया जंग से कि ये बताएं कि शादी के बाद मेरी बीवी के साथ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अरशद बिलाल साहब, आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं और दोनों लकीरों में कोई टूट फूट मुझे नज़र नहीं आती। अल्लाह के फजल से शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर रहेगी। सतीश कुमार ने सवाल किया इंडिया से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत कैसी है और कैसे रहेगी। सतीश कुमार साहब, आपकी किस्मत अल्लाह के फजल से अच्छी है और आने वाला वक्त आपका बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हर काम सब्र तहमल से करें, किसी मामले में जल्दबाजी ना करें, इसी में आपकी बेहतरी है। एम डी सोहेल ने सवाल किया है इंडिया से कि ये बताएं कि मेरे पास पैसे कब आएंगे और कब मेरे हालात अच्छे होंगे। एमडी सोहेल साहब, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है वो अल्लाह के फजल से अच्छी है, मौजूदा वक्त भी आपके लिए अच्छा है और आने वाला साल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, पैसा भी आएगा और कामयाबी भी नसीब होगी इंशाल्लाह। बिस्मा ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी। आपकी शादी इंशाल्लाह कामयाब होगी और शादी के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी और पैसा भी आपके पास आएगा इंशाल्लाह। और अगला सवाल इन्होंने किया है कि शादी कब होगी। शादी इंशाल्लाह अज़ीज़ 2023-2024 में होगी और शादी कामयाब रहेगी। सोनिया ने सवाल किया सियालकोट से कि मेरी शादी नहीं हो रही, पहले एक मंगनी हुई थी होकर ख़त्म हो गई, ये बताएं कि मेरी शादी कौन से सन में और कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी 2022 में होगी और शादी कामयाब रहेगी, शादी के बाद की ज़िंदगी भी अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर होगी, लेकिन हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी जो है वो शादीशुदा से होगी। शान अब्बास ने सवाल किया है हिंदुस्तान से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। शान अब्बास साहब, आपके हाथ में शादी की 3 लकीरें हैं, 2 शादियाँ आपकी नाकाम होंगी और 3री शादी आपकी चलेगी इंशाल्लाह। फरीदा ने सवाल किया है रावला कोट से कि मैंने जो हाथ पे मार्क करके भेजा है इसके बारे में बताएं कि क्या है। देखें, आपने जो बनाकर भेजा है ये फिश का निशान है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं है, आने वाले दिनों में मुकम्मल हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी नसीब होगी इंशाल्लाह। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।